नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। फिजिक्स को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, डिफेंस और स्पेस से रिलेटेड। भारत ने किस देश में फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया, यानी किस देश से फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है? तो फाल्कन रडार सिस्टम भारत ने इजराइल से प्राप्त किया है। भारत ने किस देश से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदा है? बराक भी जो है इजराइल से ही प्राप्त किया गया है, जो कि एक मिसाइल रोधी यानी एंटी मिसाइल जो है डिफेंस सिस्टम है। स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्ध टैंक को क्या नाम दिया गया है? तो भारत में इसे भीष्म नाम दिया गया है। इंद्र क्या है? इंद्र जो है एक भारतीय रडार है। सौर्य जो है थल से थल यानी स्थल से स्थल पर 700 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है और यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कौन था? डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि बाद में जो है भारत के राष्ट्रपति भी बने। तेजस क्या है? तेजस भारत में निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण कैसे हुआ था? तो ये भारत और रूस के आपसी सहयोग से ब्राह्मोस विकसित किया गया था। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है। ये हासन नामक जगह कहाँ पर है? हासन कहाँ पर है? कर्नाटका में स्थित है। हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग क्या होता है? इसको बोलते भले ब्लैक बॉक्स हैं लेकिन इसका रंग जो है नारंगी या ऑरेंज होता है। भारत के चंद मिशन चंद्रयान एक का प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश से। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? ये पासाडोना नामक स्थान पर है जो कि कैलिफोर्निया में है। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में क्या सम्मिलित है? तो वहाँ पर जल पाया गया है, जिप्सम पाया गया है, मीथेन पाया गया है, जो ये संकेत करते हैं कि वहाँ पर जीवन के संकेत उपलब्ध हैं। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष यान मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के प्रयोग में लाया गया था? तो ये जो है टेम्पल वन नामक एक धूमकेतु था, उसका जो है विस्तृत चित्र इसके द्वारा लिया गया था। किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो ये लाइका नाम का जो है एक कुत्ता था जिसको ये भेजा गया था। नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? तो जो नासा के द्वारा जो है भेजा गया था यान, उसका नाम फिनिक्स है। मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर कौन सा था? उसका नाम दिया गया था स्प्रिट रोवर। अंतरिक्ष यान डिस्कवरी, जिसे 4 जुलाई 2016 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था, कि टैंक ईंधन को भरा गया था द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। चंद्र कक्षीय मिशन सेलीन वन किस एक देश का मिशन है? सेलीन वन जो चंद्रमा पर भेजा गया था, ये जापान का एक मिशन है जिसने चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होकर वहाँ पर अध्ययन किया था। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ पर स्थित है? थुम्बा जो है केरला में है। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापीय इंजनों को हम क्रायोजेनिक इंजन्स भी कहते हैं। निम्न तापीय इंजन यानी क्रायोजेनिक इंजन प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? द्रव ऑक्सीजन या लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। क्रायोजेनिक ताप से आशय उस ताप से है जो 150 डिग्री यानी -150 डिग्री से भी कम होता है। हंसा 2 क्या है? ये एक भारतीय प्रशिक्षण यान का नाम है। भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? इजराइल के सहयोग से किया जा रहा है। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है पोखरण में 1998 में हुए परमाणु परीक्षण मिशन का। तकनीकी युक्त, जिसे नेत्र कहा जाता है NETRA, इसके बारे में सही कथन क्या है? यह लगभग 1.5 किलोग्राम भार का एक मानव रहित हवाईयान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से संबंधित है। न्यू स्टार्ट संधि
या न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाचारों में थी। यह संधि क्या है? यह यूएसए तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की एक संधि है। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो इसका नाम था आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। कल्पना एक नाम किसको दिया गया है? तो भारत के जो है सैटेलाइट मेटसैट को जो है कल्पना वन नाम दिया गया है। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर पर सेकंड से गति यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है जो उन्हें ध्रुवों की तरफ मोड़ देता है, इसलिए पृथ्वी पर की सतह तक ये नहीं आ पाते हैं। नासा का अंतरिक्ष यान शटल कौन सा था? अटलांटिस। भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती ही उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है, तो इस गति को भूस्थैतिक गति कहते हैं। सागरिका के 15 इसका नाम है, पृथ्वी थर्ड की ही तरह मिसाइल है जिसे नाभिकीय पनडुब्बियों में लगाया जाएगा। अभी हाल ही में इसका परीक्षण कब किया गया था? तो इसका जो अंतिम परीक्षण था वो 27 जनवरी 2013 को किया गया था। कैसिनी क्या है? कैसिनी एक अंतरिक्ष यान का नाम है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बेकानूर से। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन को प्रवर्तन किया, क्या जानने के लिए? पृथ्वी तुल्य उपग्रहों को जानने के लिए। एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो उसका परिक्रमण काल ठीक पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, यानी 24 घंटे। किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह जो होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ये बहिर्मंडल या एक्सोस्फीयर में स्थापित किए जाते हैं। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था 19 जून 1981 को। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वैलेंटिना तरेश्कोवा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्त विकिरण उत्पन्न किया जाता है। साधारण टॉर्च के सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक और कार्बन। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितना है? 2.3 से लेकर 3.0% तक जो है भारत की संपूर्ण जो ऊर्जा उत्पादन होती है उसमें नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी का पार्ट है। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं, इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण क्या है? क्योंकि समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती हैं या नहीं चलती हैं। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। भारत ने आणविक प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है क्योंकि यह जो है भेदभावपूर्ण था। DST, CSIR, DAE आदि संस्थाएं किससे संबंधित हैं? ये साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित संस्थाएं हैं। कथन और कारण देखते हैं। कथन क्या है? अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। कारण, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? ये पेट्रोलियम उत्पादन के संरक्षण से संबंधित है। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल कहाँ है? ये डाभोल नामक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर एमरॉन शक्ति परियोजना स्थापित है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो ऑटोमेटिक रिस्ट जो है वाच जो होती हैं उसमें हमारे हाथ के विभिन्न संचालनों से ही जो है ऊर्जा मिलती है। भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1,00,000 लीटर विलवणीकरण जल उत्पादन के लिए प्रथम संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप में है वहाँ स्थापित किया गया था। यहाँ समुद्री खारे जल को जो है पीने योग्य जल में बदला जाता है। चंद्रयान 2 मिशन बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है जुलाई में, तो चंद्रयान 1 के बारे में भी जान लेते हैं। चंद्रमा के लिए भारत का पहला ये चंद्रयान है, ये विश्व का 68वां अभियान है।
भारत का पहला मानव रहित मून मिशन चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C11 के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। भारत सरकार को 18 सितंबर 2008 को चंद्रयान 2 अभियान को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी तथा इसे 2018 में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। प्रथम चंद्र अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था व द्वितीय चंद्र अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा था। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत ऐसा छठा देश है जो चंद्रमा के लिए अपना अभियान भेजने में सफल हुआ है। भारत चंद्रयान 2 को 15 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। अब भारत के मंगल मिशन के बारे में जानते हैं। भारत का प्रथम मंगल अभियान था ये भारत के प्रथम ग्रहों के बीच एक मिशन है। वस्तुतः यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु इसे छोड़ा गया। एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। 24 सितंबर 2018 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। अमेरिका, रूस और सोवियत संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है और भारत एशिया का ऐसा पहला देश बन गया है जो मंगल की कक्षा में दाखिल हुआ है। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीनी खेती और संचार उपग्रहों में किया जा सकेगा। अब अगला मिशन जो कि भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, आदित्य L1 सूर्य पर भारतीय प्रथम अंतरिक्ष मिशन है ये। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की है कि वर्ष 2019 में सूर्य के अध्ययन हेतु पहला भारतीय मिशन जिसका नाम दिया गया है आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा, जो पृथ्वी की सतह का अध्ययन करने में सहायक होगा। यहाँ स्प्रिंटिंग है। इस मिशन के तहत 1500 किलोग्राम वजन वाले भारी उपग्रह को लैग्रेनियन बिंदु L1 के प्रभा मंडल कक्षा होलो ऑर्बिट जिसे कहते हैं में स्थापित किया जाएगा। प्रभा मंडल कक्षा होलो ऑर्बिट एक त्रिआयामी या थ्री डायमेंशनल अथवा 3D कक्षा है जो लैग्रेनियन अंक L1, L2 और L3 के पास होता है। आगे देखते हैं टॉप पॉइंट। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति सोवियत संघ के कौन थे? यूरी गागरिन, जो 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला सोवियत संघ की वैलेंटिना तेरेस्कोवा थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अमेरिकन एलन सेपर्ड थे जो 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में विचरण करने वाला पहला व्यक्ति सोवियत संघ का अलेक्सी लियोनोव था जो 1965 में गया था। अंतरिक्ष में 2 बार जाने वाला पहला व्यक्ति अमेरिका का कौन था? गस ग्रिसम जो 1965 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला थी सैली राइट्स जो 1983 में गई थी। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था अपोलो 8 जो USA का था, 1968 में गया था। और चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति अमेरिका का नील आर्मस्ट्रांग था जो 1969 में गया था। 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाले सोवियत संघ का अंतरिक्ष यात्री हैं कर्नल ब्लामिदिर कोमरेव जो 1967 में गए थे। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 439 दिनों तक लगातार रहने वाला अंतरिक्ष यात्री रूस का वेलेरी पोलियाकोव था जो 1994 और 1995 के दौरान 439 दिन जो है अंतरिक्ष में थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कल्पना चावला थी जो 1995 में गई थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल यान अमेरिका का कोलंबियन था जो कि 1981 में गया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई वियतनाम के फॉर्म तुआन थे। भारत का प्रथम व्यावसायिक अंतरिक्ष यान पीएसएलवी C2 था जो कि 26 मई 1999 को प्रक्षेपित किया गया था। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली पहली महिला ये भी सोवियत संघ की थी स्वेतलाना सावित्काया जो 1988 में गई थी। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में गया था डेनिस टीटो अमेरिका के थे जिसने 28 अप्रैल 2001 को अंतरिक्ष की यात्रा की। अब भारत से जुड़े जो है
मुख्य पॉइंट देखते हैं। भारत का प्रथम भू स्थैतिक उपग्रह यान GSLV-D1 था जो 28 अप्रैल 2001 को प्रक्षेपित किया गया था। भारत द्वारा 10 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपण कब किया गया था? 28 अप्रैल 2008 को PSLV-C9 के जरिए। दो भारतीय थे, कार्टोसैट 2 व IMS-1, और 8 जो है अन्य विदेशी जो है नैनो उपग्रह इसके साथ भेजे गए थे। 20 अप्रैल 2009 को भारत का प्रथम जासूसी उपग्रह RESAT-2 का प्रक्षेपण किया गया था। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? मेडसेट का प्रक्षेपण 12 सितंबर 2002 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C4 के द्वारा किया गया था। डॉक्टर टेमी थॉमस भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने देश के महत्वपूर्ण मिसाइल प्रोजेक्ट की कमान संभाली है। Agni-2 का प्रोन्नत रूप Agni-5 15 नवंबर 2011 को किया गया था। यह परीक्षण पूर्णतया सफल रहा। टेमी थॉमस Agni-4 की परियोजना निदेशक हैं। उन्हें मिसाइल वोमेन तथा Agni-पुत्री जैसे नाम दिए जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला कौन सी थी? सुनीता विलियम्स। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। ये भारत का पहला जो है कम्युनिकेशन सेटेलाइट था। अब बहुत इम्पॉर्टेंट जो है अगला फैक्ट ये है कि जितने भी अंतरिक्ष केंद्र हैं और उनकी इकाइयों के बारे में प्रायः जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेंगलुरु में क्या क्या स्थापित है ये देखते हैं। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, अंतरिक्ष आयोग है, उपग्रह नियंत्रण केंद्र है और NNRMS सचिवालय और द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, ये सभी कहाँ पर हैं? बेंगलुरु में है। हासन जो कि कर्नाटका में है, यहाँ पर इनसेट प्रधान नियंत्रण सुविधा है। श्रीहरिकोटा में SAR केंद्र है जिसको हम सतीश धवन स्पेस सेंटर कहते हैं। अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान उपयोग केंद्र, प्रयोगशाला विकास, शैक्षिक एवं संचार इकाई स्थापित है। महेंद्रगिरी में द्रव नोदन जांच सुविधा केंद्र स्थापित है। तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, CSLV सुविधाएं और इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई, ये सभी जो है तिरुवनंतपुरम में स्थापित हैं। नागपुर में सेंट्रल रीजनल रिमोट सेंसरिंग सर्विस सेंटर है। मुंबई में इसरो संपर्क कार्यालय स्थापित है। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी है। नई दिल्ली में अंतरिक्ष विज्ञान विभाग शाखा, इसरो शाखा कार्यालय और दिल्ली भू केंद्र की स्थापना की गई है। लखनऊ में स्ट्रैक भू केंद्र स्थापित है। देहरादून में भारतीय सुदूर संवेदन केंद्र, कई बार पूछा जा चुका है ये। बालासोर में मौसम विज्ञान रॉकेट केंद्र है। अलवाय में अमोनियम परफुकलेट प्रायोगिक संयंत्र है। उदयपुर में एक सौद वेधशाला स्थापित है। जोधपुर में वेस्टर्न रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर है। खड़गपुर में ईस्टर्न रीजनल रिमोट सर्विस सेंसिंग सर्विस सेंटर है और कबलूर में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केंद्र स्थापित है। तो आज का ये लेक्चर काफ़ी फैक्चुअल था जिसमें जो है ज़्यादातर फैक्ट ही थे, लेकिन ये सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ये आते रहते हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे का हम देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।